पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। मंगलवार को पटना यूनिवर्सिटी कुलपति गिरीश कुमार चौधरी ने छात्र संघ चुनाव का ऐलान भी कर दिया। इससे पहले पटना विश्वविद्यालय का बड़ा शैक्षणिक संस्थान पटना कॉलेज हिंसा का गवाह बना। पटना कॉलेज में मिंटो और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों के बीच झड़प हो गई। दोनों हॉस्टल के छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट से शुरू हुआ झगड़ा पथराव और बमबाजी तक पहुंच गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि छात्रों के बीच कुछ बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें चारों हॉस्टल के छात्र विवाद में शामिल थे। अशोक कुमार ने कहा कि सभी हॉस्टल के 2-3 छात्र चोटिल हुए, कुछ को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पर पता चल रहा है कि जैक्सन हॉस्टल और नदवी हॉस्टल के स्टूडेंट्स के बीच में वर्चस्व को लेकर के पत्थरबाजी हुआ है, मारपीट हुआ है। गोली चलने का तो नहीं आ रहा है, लेकिन सुतली बम एक होता है पटाखा टाइप का, उसे भी लोग फोड़ा वड़ा है। सर, किसको क्षति हुई? पता चल रहा है कि हल्का इंजुरी है, दोनों साइड से हल्का है। कितने लोग हैं? अभी तो हम लोग संख्या नहीं गिन पाए हैं, लेकिन 2-3 स्टूडेंट्स का पता चल रहा है कि हल्का हल्का चोट लगा है 2-3 स्टूडेंट्स को। मंगलवार की दोपहर जब पटना कॉलेज परिसर में नदवी हॉस्टल के पास आधा दर्जन बम पटके गए, तो उस वक्त पुलिसकर्मी भी उसी जगह मौजूद थे, लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा और पुलिस की कम थी, लिहाजा पुलिस पीछे हट गई। मारपीट और बमबाजी के दौरान कुल 3 छात्र घायल हैं। पटना कॉलेज के कर्मचारी ने गुप्त रूप से बताया कि मुख्य रूप से विवाद चुनाव को टालने के लिए दहशत फैलाने को लेकर किया गया है। कुछ दबंग छात्र नेता नहीं चाहते कि चुनाव हो, इसको लेकर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल हॉस्टल के सभी छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है और पटना कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। सूत्रों का ये भी कहना है कि कई छात्र घायल हैं जो छुपकर इलाज करा रहे हैं। पीरबहोर थानेदार के मुताबिक पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।